एनिमल प्रोटेक्शन फाउंडेशन वालों जलंधर के वक् वक् स्थानों से चाइना डोर संबंधी लोगों को जागरूक करने वास्ते मुहिम चलाई गई। इस मुहिम च दमकल विभाग और बिजली बोर्ड के अधिकारी भी शामिल हुए। बच्चियों वालों जख्मी पंछियों के रूप में दर्शा के चाइना डोर खिलाफ सुनेहा दिता गया। इस मौके एनिमल प्रोटेक्शन फाउंडेशन के यूवी सिंह सेवा मुक्त फायर अफसर राजेंद्र शर्मा और बच्चों ने कहा कि चाइना डोर से सुप्रीम कोर्ट वालों रोक लगाने तो बाद लोग इस डोर की वरतों करनी नहीं छड़ रहे, जिस बेजुबान जानवर पंछी ते मनुख भी बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। जी मेरा नाम यूवी सिंह एनिमल प्रोटेक्शन फाउंडेशन तो असी आज एक अवेयरनेस कंपेन लगाया चाइना डोर जरा चाइना का मांझा हैगा गट्टू भी कहने जिन्हों आप वरतों बंद हो जो कि साड़ी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बैन लगा के रखे है। उसके बावजूद भी ये गट्टू शरेआम बिकता है, दिल्ली तो लैके जलंधर तक ट्रांसपोर्ट भी होंगे। यदि किस तरह वरतों हो रही है ये उपर कानून सख्त हो तो प्लस लोगों को भी जागरूकता आ जिहड़े साडे समाजिक सियाने बयाने लोग ने वो जागन तो अपने बच्चों मना करन कि इस डोर का वरतों नहीं होना चाहिए जिदा कि तुहाडे ही अपने बच्चों को नुकसान है, पशु पक्षियों को तो बहुत वड्डा नुकसान है जिदे करके साडी फाउंडेशन सारा दिन इधर उधर भजदी है। कभी कोई कां फस गया, कभी कोई कबूतर फस गया, कभी किसी खंभे च डोर लिपट गई, कभी किसी तार च डोर लिपट गई। सारे डिपार्टमेंट बहुत परेशान ने। मेरी एक बहुत हाथ जोड़ के बेनती है सारे ही डिपार्टमेंट्स को कि स्पेशली सरकार को आम लोगों को कि ये जागरूक होन ते इस चीज़ की वरतों बंद करन ते पूरी तरह इहदा बहिष्कार करन। हम इधर इसलिए आए हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही चाइना डोर को बैन करा हुआ है, पर फिर भी अपने हट नहीं रहे, वो फिर भी सेल कर रहे हैं चाइना डोर, और वो हम अपने मस्ती मस्ती वगैरह के लिए यूज़ कर लेते हैं, पर वो लोग ये नहीं देखते कि हमें उससे हार्म क्या है या फिर दूसरों को हार्म क्या है। आप अपनी मस्ती के लिए आप बहुत कुछ और कर सकते हो, और इससे या तो ये हो कि बर्ड्स की कोई गलती हो, बेचारे इनोसेंट बर्ड्स होते हैं, पर अपना एक पर ईयर में 2000 से ज़्यादा बर्ड्स मरते हैं, मतलब 2000 बर्ड्स हार्म होते हैं उन्हें, और उनमें से 500 बर्ड्स मर जाती है। और कुछ नहीं, हम इधर गेटअप में इसलिए आया क्योंकि हम इधर एक बर्ड है जिसके खून वगैरह आ रहा है और वो एक पेन में है, क्योंकि अपने ह्यूमंस क्या करते हैं, वो उधर अपने पेड़ों के अंदर जाके अटक जाते हैं और वो अपनी हेल्प भी नहीं करते उनकी। रिटायर्ड फायर अफसर राजेंद्र शर्मा बोल रहे हैं जी। मैनू इस फाउंडेशन के नाल जुड़िया काफ़ी समा साल हो गए ने। अस इस फाउंडेशन का उपराला की है कि जिथे कितने पक्षी फस जाता उन्हें बचाने की खातर ये अपना कीमती समा अपना लगा देंगे ने, सानू इनफॉर्म करते हैं, फायर ब्रिगेड इनफॉर्म करते हैं, और असी फायर ब्रिगेड जिथे तक कोशिश हुंदा सी कि आप बचाता सीगा, जिथे तक साडी फायर ब्रिगेड की गड्डी की पहुँच हुंदी सीगी वो आप करके अपना बचाने की कोशिश करते सीगे। तो कई बार की होंदा सी कि साडे मेरे साथी मेरी टीम के मैंबर रजिंदर सोता विपन जां रेशा इन्हां ने की करना, कोई टहनी जड़ी जिस टहनी के नाल पक्षी लटक रहा उस डोर के नाल उस टहनी के उत्ते पानी नूं प्रेशर नाल मार के भी उपराला करके पक्षी नूं बचा लैंदे सीगे। सो ये आपां ते अपील यही करांगे शहर वासियों नूं, खास तौर पर उन दुकानदारां नूं जिहड़े कि चाइना डोर बेचते हैं, सरकार वालों वर्जित होने के बावजूद बेचना भी जुर्म है, कानून तो उलंघना कर रहे हैं। पर ये नाल मैं तुहानूं पिछले तुहानूं दस्सिया सी कि अटारी बाजार के एक जान भी चल गई सी, एक बंदा बाइक से जा रहा सी और चाइना डोर लटक रही सी जिहदे लपेट के विच आ गया और गर्दन च लिपट गई जिहदे नाल उहदी जान भी चल गई सी। सो ये चाइना डोर बंद होनी चाहिए। उन्होंने कहा लोगों को असं अपील करते हाँ कि चाइना डोर की वरतों ना करन ते प्रशासन वालों इस डोर ते मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए। कैमरामैन राजू गुप्ता दे नाल मोनिका वॉइस ऑफ पंजाब जलंधर। वधेरे खबरां लई साडे वॉइस ऑफ पंजाब दे फेसबुक पेज नूं लाइक ते यूट्यूब चैनल नूं सबसक्राइब करो।